अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ूबसूरत तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपकी ज़िंदगी में इतनी मदद करेगा, आपको इतनी मुश्किलों से निकाल देगा कि आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। बहुत ही छोटा सा अमल है और इस अमल की बरकत से हज़ारों लोगों ने अपनी हाजत पूरी की है, अपनी मुरादें पूरी की है और अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई है। और अगर आज हमारे इस बताए हुए अमल को आप भी आज़मा लेते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपकी नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमाएगा। दोस्तों, अल्लाह के नामों में बहुत बड़ी ताकत होती है और बहुत बरकत होती है। अल्लाह पाक का नाम जिसकी वजह से पूरी कायनात का वजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कहने वाला दुनिया में एक आदमी भी मौजूद होगा तो ये निज़ाम कायनात मौजूद रहेगा। आज हम आपको अल्लाह पाक के दो बहुत प्यारे नाम या अल्लाह या रहमानु, ये दो नाम इतनी अजमत वाले नाम है, इतनी बरकत वाले नाम है। अगर रात को किसी भी वक्त आपकी आँख खुल जाती है या आप अचानक जाग जाते हैं तो फौरन अल्लाह पाक के इन दो नामों का विर्द करना शुरू कर दे और अपनी हाजत या अपने मकसद को ध्यान में रखे, उसका तसव्वुर करे और अल्लाह पाक के इन दो नामों को याद करते करते सो जाए। अल्लाह पाक के इन दो नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करे, इनका विर्द करे, यहाँ तक कि आपको नींद आ जाए और आप सो जाए। लेकिन अल्लाह पाक के इन दो नामों का जिक्र करते हुए, विर्द करते हुए जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, इसको अपने जहन में लाजमी रखें। इंशाअल्लाह ऐसी गैबी मदद हासिल होगी कि सुबह तक आपके हर मुश्किल से मुश्किल परेशानी, हर मुश्किल से मुश्किल काम गैब से पूरा हो जाएगा और जैसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश होगी, हाजत होगी, वो पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक के इन दो नामों का चलते फिरते उठते बैठते भी जिक्र करते रहा करें, इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा। और जब दिल को सुकून मिल जाएगा तो इससे बड़ी और कोई नेमत और कोई दौलत नहीं हो सकती। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाह के जिक्र करने से ही दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून और इत्मीनान है। और नाज़रीन, जो सबसे बड़ी बात है कि हम सुकून हासिल करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे जतन करते रहते हैं। पैसा होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद, घर बार गाड़ी सब कुछ होने के बावजूद हम सुकून से महरूम है, सुकून हासिल नहीं कर पाते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि अल्लाह पाक ने सुकून अपने जिक्र में रख दिया है। हम उस तरफ जाते नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, इस अमल को अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए भी करें। नाज़रीन, एक बात याद रखें जो कि बहुत ही अहम है कि आपका बिस्तर पाक होना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप लेटे हैं, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं, बिस्तर का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, आपके कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। और जब आपकी रात को आँख खुलती है तो शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह पाक के ये दो नाम या अल्लाह या रहमान, इन दो नामों का जिक्र करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में पड़ गए हैं या किसी मुसीबत में पड़ गए हैं तो ये वजीफ़ा करें, यह अमल करें, इन दो नामों का जिक्र करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी और मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, यह अमल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर करके सवाब के मुस्तहक बने। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।